अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे तवा कलेजी। चीज़ें जो हमें चाहिए वो हैं चार बड़े बड़े टमाटर, साथ में चार हरी मिर्चें और तीन लहसुन के जवे। मैंने काट लिया है लहसुन और एक लेमन, और साथ में हम 1 kg कलेजी लेंगे। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम लोग तवा लेंगे। तवे पे जो है हमने सबसे पहले ऑयल डालना है। ऑयल आप लोग अपनी मर्ज़ी का डालें। साथ में सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। जैसे ही हमारा लहसुन फ्राई होगा उसके बाद उसमें हमने कलेजी डालनी है। तो चले, जब तक हमारा लहसुन फ्राई होता है, आप लोग ईद आई हुई है घर में, सबके घर में किसी ने बनाई होगी किसी ने नहीं बनाई होगी, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, तवे पे बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो चले, हमारी जो लहसुन है वो हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें कलेजी डालेंगे। कलेजी मैंने डाल ली है। हमने तकरीबन कलेजी को अब 20 मिनट के लिए पकाना है। 20 से 25 मिनट के लिए आप लोगों ने कलेजी को पकाना है। इसी तरह पानी नहीं डालना, सर रख लेना है आप लोगों ने। ढक्कन रखने के बाद आप लोगों ने चेक करना है, साथ में चम्मच भी हिलाना है आप लोगों ने। तो 20 मिनट के बाद मेरी कलेजी कुछ इस तरह से है, इसमें ख़ुद से पानी जो है तो बन गया है। हमने इसमें उस वक्त तक टमाटर नहीं ऐड करने जब तक इसका ये जो अपना पानी है ये खुद जो है तो सूख ना जाए, लाइक ऑयल ना निकले। जब तक ऑयल नहीं निकलेगा हम लोगों ने टमाटर इसमें नहीं डालने। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी। मैं आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों में जो ईद के दिन थे मैं वीडियो नहीं डाल सकी, बिकॉज़ हम अपने गांव गए हुए थे। तो मेरे लिए मुश्किल था वीडियो बनाना और रिकॉर्ड करना, मैं कोई भी जो है तो व्लॉग रिकॉर्ड ना कर सकी। लेकिन कलेजी जो है तो ये मैं आज बना रही थी, तो सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना लूँ। आप सब देख सकते हैं कि अभी जो है तो कलेजी में ऑयल जो है निकलना शुरू हो गया है, पानी जो है तो सूख गया है। अब हम एक साइड पे, मैंने कलेजी को कर लिया है तो एक साइड पे हम टमाटर डालेंगे। आप लोगों ने ऊपर नहीं डालना, एक साइड पे रखें आप लोग, ताकि एक साइड पे कलेजी भी आप लोगों की पकती रहे और एक साइड पे टमाटर जो है तो गल जाएँ और साथ में इसमें से मिक्स होते रहेंगे। फिर एंड में आप लोगों ने ख़ुद मिला लेना है। अब जब हमने टमाटर डाल लिए हैं तो आप लोगों ने अपने टाइम के हिसाब से, मेरे तो टमाटर तकरीबन 10 मिनट में गल गए थे। मैंने साथ में इसमें गरम मसाला डाल दिया था और साथ में लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाल दी थी। गरम मसाला बहुत ही कम आप लोगों ने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ही कम, लाइक 1/2 teaspoon मैंने डाल दिया था। नमक आप लोग हसब ज़रूरत जितनी आप लोग खा सकते हैं उतनी ऐड करें। मैं कभी भी नहीं बताती नमक इतना, क्योंकि हर कोई जो है तो अपने हिसाब से, कुछ लोग तेज़ खाते हैं कुछ लोग जो है तो कम खाते हैं, तो आप लोग जो है तो अपने हिसाब से कहें। तो अब हम इसमें जो है तो हमारे टमाटर गल रहे हैं, तो हम एक साइड से कलेजी को जो है तो इसमें मिक्स करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कलेजी बन गई है। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़ैनी व्लॉग्स को।